देखिए, जब कराची की तरफ से आप तुर्जो हटाते हैं तो यूँ समझ लें जी कि आप पूरे मुल्क के साथ ज्यादती करते हैं। सिर्फ कराची चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कराची में कारोबार से लेकर जो जिंदगी है वो इस कदर दुश्वार हो चुकी कि एक लोग टमाटर प्याज की कीमतों के चक्कर में उलझ के रह गए हैं। कारोबार का ये हाल है, मार्केटों के सन्नाटे और कसाद बाजारी और वीरानियों की ये हालत है जी। कि इस वक्त अगर मैं बहुत भी मोहतात बात करूं तो 80% कारोबार बर्बाद हो चुका है। देखिये, सब ज्यादा तो कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों दूध की कीमतों को भी मुस्तहकम किया और 230 से 200 रुपए लीटर तक लेकर आए। चीनी पर एक माफिया काबिज है, आटे की कीमत नीचे नहीं आने देते। देखिये, इस वक्त तो सरकार ये कहती है कि वो इससे पहले जो सरकार थी उसकी चेन को तोड़ने में लगी है, उसके सिस्टम के खिलाफ वो इकदाम करने में लगे हैं। यानी मौजूदा हुकूमत की चेन को तोड़ने में लगी हुई, आप ये कह रहे हैं? जितने भी माफियाज हैं ये माजी की हुकूमत ही के जेर असर है अब भी, और उन असरात को तोड़ने में निगरान हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। देखिये, ताजिर कोई बम बांध कर तो कहीं खुद को हमला करने से रहा, अलबत्ता हम यही कर सकते हैं कि एहतजाज करें, फिर एहतजाज करें, फिर एहतजाज करें, यही एक जमहूरी तरीका है। अगर आने वाली हुकूमत 6 माह ताखिर होती है, ये इलेक्शन टूर पकड़ते हैं, तो क्या हम मुंतजर रहेंगे कि वो आएंगे और अपना काम करेंगे? फिर वो भी करें ना करें, माजी की हुकूमत के आपकी मिसाल आपके सामने है जी। तो ताजिर किससे फरियाद करें? एक आर्मी चीफ ने पिछले दिनों इकदाम किया था, एक्शन लिया था, जिसके बेहतर नतीजे भी सामने आए थे।